बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की नमाज का तरीका, मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज ईदुल फितर या ईदुल अज़ा की 6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह अज़्वजल के पीछे इस इमाम के, फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कह के हसब मामूल नाव के नीचे बांध ले और सना पड़े, फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दे, फिर कानों तक हाथ उठाएँ और अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दें, फिर कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें, फिर इमाम की किरात को खामोशी के साथ समात फरमाएं, फिर रुकू करें। दूसरी रकत में इमाम इब्तदाए किरात करेगा यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और कोई सूरत पढ़ेगा, फिर 3 जायद तकबीरें कही जाएंगी, फिर चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चला जाए और बाकी नमाज इसी तरह से पढ़ी जाएगी जिस तरह से आम नमाजें पढ़ी जाती हैं।